सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम्स से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5, जो कि क्लास 7th की और सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेटेड है 2nd of August 2021 की आपकी वर्कशीट है। तो ये वर्कशीट है आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट, तो अब आने ही लगी हैं क्योंकि आपको आपने सुना था कि सर्कुलर में बताया गया था कि 2nd of August से आएंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट्स। तो आई करते हैं हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट। यूज़ ऑफ वाज वर्ड द पास्ट फॉर्म ऑफ टू बी, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वाज वर्ड को जो कि पास्ट फॉर्म टू बी में होता है। वाज वर्ड इज पास्ट फॉर्म ऑफ इज एम आर एंड ऑल्सो यूज विथ पास्ट टेंस। तो वाज वर्ब पास्ट फॉर्म है इज एम आर का और यूज़ होता है पास्ट टेंस में। लुक एट द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंस अलाउड, तो हमें इन टेबल्स को देखना है और रीड करना है। आई वाज लेट यस्टरडे, वी वर बिजी लास्ट मंथ, यू वर स्लीपिंग लास्ट नाइट, ही वाज in Shimla 2 years ago, she was dancing in the party, it was very hot yesterday. तो ये देखिए singular verb, plural verb। तो singular verb में आप was का use करते हैं past form में और verb का use करते हैं plural form में are की जगह, और singular का is am की जगह। तो कुछ examples दिए हैं he was, she was, I was। तो अगर अकेले की एक अकेले की बात करें तो उसके लिए वाज यूज़ करेंगे, और यू दे वी इन सब के लिए वर, सिंगुलर नाउन्स वाज, प्लूरल नाउन वर। तो कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उन्हें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है सही का करेक्ट ऑप्शन चूज करके। द बॉय वाज रीडिंग अ बुक, वाज इसलिए आएगा क्योंकि बॉय की अकेले की बात हो रही है। दे डैश प्लेइंग बैडमिंटन, दे वर प्लेइंग बैडमिंटन, वी वर ईटिंग, शी डैश अ टीचर, शी वाज अ टीचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द पैराग्राफ विद वाज वर्ड, तो वाज वर्ड से पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, तो आइए करते हैं कंप्लीट। तो ये देखिए, व्हेन आई डैश इन क्लास 6th class, व्हेन आई वाज, आई क्योंकि अकेले की बात हो रही है यहाँ पे, आई डैश अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, आई वाज अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, माई टू फ्रेंड्स राहुल एंड मनीष वर ऑल्सो इन आवर टीम, दो की बात हो रही है ना, इसलिए रमन डैश आवर कैप्टन, रमन वाज आवर कैप्टन, he dash a good cricketer also, he was a, अकेले की बात हो रही है ना, our teacher dash very good, was very good, they dash very helpful also, they were very helpful also। तो ये देखिए एक और है क्वेश्चन बचा, तो इसमें क्या करना है, मैचिंग करनी है और लिखना है। देखिए जैसे कि इसमें लिखा है आई वाज एंग हैप्पी, तो इसमें क्या हैप्पी ये रहा, और वाज वर्ड का भी यूज़ करना है मैच करके। तो ये देखिए दे वर ब्रदर्स, तो ये भी मैच करके इन्होंने बीच में वाज या वर यूज़ किया है। तो ये देखते हैं, ही डैश ही वाज हंगरी, तो आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप एक ही वर्ड से बनाए, कई वर्ड से भी बना सकते हैं। यू डैश ब्रदर्स, इसका तो यूज़ हो गया। यू वाज अ स्टूडेंट, शी वाज अ टीचर, दे डैश दे वर इन आवर क्लास, वी डैश वी वाज वी वर हैप्पी। तो ऐसे कुछ सेंटेंस आप अपने से भी बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।